हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अ वीडियो ऑफ क्लास फोर्थ। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7, नेचुरल रिसोर्सेज। ओके बच्चों, आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमारी धरती पर जो भी नेचर ने चीज दी है, हमारे भगवान ने जो हमें गिफ्ट की है, उनको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमारी धरती माता है, उसने हमें क्या दिया है? धरती, उसके अंदर क्या? सॉयल, जिसमें हम क्रॉप्स उगा सकते हैं, फसलें उगा सकते हैं। हमारी प्रकृति ने हमें क्या दिया है? हवा, पानी, सनलाइट, सूरज की किरणें, हमारे अच्छे के लिए। सनलाइट सन से आती है और वो सबके लिए एनर्जी के का एक सोर्स होती है। ठीक है, ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज कम टू अस फ्रॉम अर्थ। और सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो भी होते हैं, वो सारे हमारे कहाँ से आते हैं? धरती से। चलिए अब हम समझते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स। टू टाइप्स के होते हैं, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को पढ़ते हैं। वो रिसोर्सेज जो कभी खत्म नहीं होते, ठीक है, उनको बोलते हैं रिन्यूएबल, जिनको वापस पाया जा सकता है। देखिए कौन कौन से होते हैं, सन, सूरज, हवा, मिट्टी, पानी, जंगल, ये सारे क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स। आइए सनलाइट के बारे में पढ़ते हैं। सनलाइट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। सनलाइट हमारी सबसे इम्पोर्टेंट है नेचुरल रिसोर्स। ये हमें गर्मी देती है और लाइट भी देती है। ठीक है, इसको, ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है, इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, हर दिन सूरज उगता है ना बच्चों। द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। सन क्या है? हमारा एक सोर्स है एनर्जी का धरती पर। ठीक है, प्लांट क्या करते हैं? लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और फूड बनाते हैं, फिर ये फूड हम खाते हैं और हम फ्रूट्स, वेजिटेबल और बहुत सारी चीजें प्लांट से प्राप्त भी करते हैं। ठीक है, और जो सन से जो लाइट है, उसको हम खाना बनाने में भी यूज कर सकते हैं, सोलर कुकर में भी यूज कर सकते हैं, है ना बच्चों, आपको पता होगा। नेक्स्ट इज सोयल। सोयल क्या है? धरती की सबसे ऊपरी परत पे सोयल होती है। सोयल पे हम प्लांट्स उगा सकते हैं, पेड़ उगा सकते हैं। सोयल के बिना हम अपनी फसलें बिल्कुल भी नहीं उगा सकते। हमारे प्लांट सोयल में उगते हैं और फूड भी सोयल से ही प्राप्त करते हैं। बहुत सारे एनिमल सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, वो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, कौन से? हर्बीवोरस। और जो कुछ और एनिमल्स होते हैं, वो क्या कर खाते हैं? एनिमल्स को ही खाते हैं फूड के लिए। ठीक है, ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो ह्यूमन बींग है, जो हम हैं मानव, वो दोनों पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे भी और एनिमल्स पे भी। सोयल, मिट्टी में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं मिट्टी के ही। इसमें क्या क्या होता है मिट्टी में? वॉटर, एयर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर, ऑल काइंड्स ऑफ सोयल इन आवर कंट्री। हमारे पास बहुत सारी मिट्टी है हमारी कंट्री में, हमारे देश में बहुत सारी अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। विंड, क्या आपने कभी महसूस किया है कि तेज सी हवा चल रही हो आपके फेस पर? क्या कोई वो फोर्स लगाती है? यस, मूविंग एयर एक्सर्ट्स फोर्स एंड हैज एनर्जी। जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वो फोर्स लगाती है। वो क्या कर, अब देखिए इस एनर्जी को हम किस में यूज करते हैं? विंड मिल्स में। देखिए ऐसे ऐसे विंड मिल्स होते हैं, किस में यूज करते हैं विंड एनर्जी? इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। ठीक है, विंड इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स। ये रिन्यूएबल रिसोर्स है क्योंकि ऐसे चलती रहती है हवा, हवा को हमें वापस मिल सकती है और ये कभी खत्म नहीं होगी। आगे देखिए वॉटर, कोई भी जीव जंतु पानी के बिना नहीं रह सकता। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। हमें पानी चाहिए पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए और फसलों को उगाने के लिए भी। जो रिवर वाटर है, जो हमारा नदियों का पानी है, वो किसके लिए यूज होता है? इरिगेटिंग, सिंचाई के लिए यूज होता है फसलों में। वाटर हमारा एक एनर्जी का भी सोर्स है, हमें एनर्जी मिलती है। वाटर फ्रॉम लेक एंड रिवर इज स्टोर्ड इन अ डैम। जो ये नदियों में पानी होता है या तालाबों में, वो डैम में स्टोर कर लेते हैं और फिर स्टोर्ड वाटर को क्या करते हैं? मेड टू फॉल, ऊपर से गिराते हैं एक वॉटरफॉल की तरह। दिस फॉलिंग वाटर हैज अ लॉट ऑफ एनर्जी, इसमें बहुत सारी एनर्जी होती है। ये टर्बाइन्स ऑफ वाटर मिल, वाटर मिल के ऊपर गिरता है। ठीक है, द टर्बाइन टर्न एंड जनरेट एनर्जी। ये क्या करता है फिर? टर्बाइन उस पानी को
बिल्कुल रोटेट करके टरबाइन के ऊपर गिराते हैं, फिर उसको टर्न कर देता है, बदल देता है, किसमें? इलेक्ट्रिसिटी में। आया बच्चों समझ? आगे देखिए, राइट एनी फोर यूजेस ऑफ वाटर। यूजेस लिखने हैं हमें वाटर के, लिख देंगे ड्रिंकिंग, ठीक है, और क्लीनिंग, बाकी दो आप खुद लिखेंगे। आगे देखिए फॉरेस्ट। फॉरेस्ट भी क्या है? हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है। हमारे बहुत सारे एरियाज होते हैं जहाँ पे पेड़ पौधे अपने आप उग जाते हैं, बहुत सालों से ऐसे जंगल वगैरह होते हैं हमारे पास, उन एरिया को क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट बोलते हैं, फॉरेस्ट जंगल बोलते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमें क्या क्या देते हैं? लकड़ी देते हैं, फ्यूल देते हैं, गम देते हैं, केन देते हैं, मेडिसिन भी, फायरवुड भी, और बहुत सारे फ्रूट्स भी देते हैं। इसमें से लकड़ी सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमें मिलती है जंगलों से। ये किस किस में यूज होती है? कंस्ट्रक्शन, कुछ बनाने में, फर्नीचर बनाने में, कुर्सी वगैरह। वुड पल्प जो होता है वो पेपर बनाने में यूज होता है, ठीक है। फॉरेस्ट सेव द सॉइल फ्रॉम बींग इरोडेड, ये बंजर होने से बचाता है भूमि को, ठीक है। दे ऑल्सो प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड एनिमल्स, जो ये एनिमल्स होते हैं जो ऐसे ही घूमते हैं उनके उनको शेल्टर प्रदान करता है, उनको एक घर भी देता है। ये क्या करता है? हवा को साफ रखता है, बिल्कुल क्लाइमेट कूल रखता है, ज्यादा गर्म नहीं होने देता हवा को, सुहावना सा मौसम रखता है। फॉरेस्ट क्या प्रोवाइड करते हैं हमें? ऑक्सीजन, जो हमें सबसे जरूरी है, जिसके बिना हम जी नहीं सकते, ठीक है। आइए अब हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पढ़ते हैं। वो रिसोर्सेज जिन्हें हम दोबारा नहीं बना सकते उनको बोलेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। कोल, पेट्रोलियम और मेटल, ये क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। इनके स्टॉक, जो इनका स्टॉक है, ये हमारे पास लिमिटेड मात्रा में है, ठीक है। ये हम ज्यादा दोबारा दोबारा नहीं बना सकते, ये एक बार खत्म हो गए तो खत्म हो ही गए, ठीक है। ये किन से बनते हैं? बरेड रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, जो दबाए जाते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स धरती के नीचे, उनसे हमें क्या मिलता है? पेट्रोलियम मिलता है, ठीक है। बहुत सालों पहले जो दबाई हो उनसे मिलता है, अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने के बाद ये किस में कन्वर्ट होते हैं? फ्यूल्स में। फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर ऑल्सो कॉल्ड मिनरल फ्यूल्स, इनको मिनरल फ्यूल्स भी बोलते हैं, ठीक है। कोल क्या है? फॉसिल रिमेन ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स बहुत सालों पहले जो दबे हुए हैं, बरिड प्लांट्स, उनसे क्या बनता है? कोल। एज द डेड प्लांट्स डिकेड दे फॉर्म पीट, लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले अबव द पीट बिकम रॉक्स। देखिए, प्लांट, कोई भी डेड प्लांट है वो दबा दिया गया है, उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी आ गई है, तो बहुत सालों बाद वो एक रॉक में बदल जाएगा, एक पत्थर से होती है, ठीक है, वैसे बदल जाएगा। फिर हीट और प्रेशर के अंडर जो ये है वो बदल जाएगा कोल में, बहुत सारी हीट हो जाएगी, प्रेशर हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा धरती के नीचे, तभी कोल में कन्वर्ट हो जाएगा। कोल इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर हीटिंग रनिंग स्टीम इंजन्स इन थर्मल पावर प्लांट्स। कोल इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। कोल किस किस में यूज होता है? हीटिंग में यूज होता है, रनिंग स्टीम इंजन्स, इंजन्स को चलाने में यूज होता है, ठीक है। और कोल इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी हम यूज करते हैं। पेट्रोलियम इज कॉल्ड रॉक ऑयल एज इट इज फाउंड इन द रॉक स्टीप इनसाइड द अर्थ ट्रैप्ड बिटवीन रॉक्स। देखिए, पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं? रॉक ऑयल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये रॉक्स के अंदर बिल्कुल उनके नीचे पाया जाता है, ठीक है। पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, नेचुरल गैस, एलपीजी, ये सब क्या है? किससे मिलते हैं हमें? पेट्रोलियम से। पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस आर यूज्ड एज फ्यूल इन व्हीकल्स, ये सब हम व्हीकल्स में यूज करते हैं आने जाने के लिए, पेट्रोल उसमें डालते हैं तभी हमारा व्हीकल चलता है। किरोसिन एंड एलपीजी आर यूज्ड एज फ्यूल फॉर कुकिंग। किरोसिन और एलपीजी किसके लिए यूज होता है? कुकिंग के लिए। और जो एलपीजी है वो हम व्हीकल्स में भी यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक पेंट, सिंथेटिक क्लोथ्स, फर्टिलाइजर, पैराफिन वैक्स, स्पिरिट एक्सेट्रा आर मेड फ्रॉम पेट्रोलियम, ये सब चीजें पेट्रोलियम से बनती हैं। मिनरल्स क्या है? हमारे धरती के नीचे नेचुरली पाया जाता है, ठीक है। दे अकर अलोंग विद रॉक्स, ये रॉक्स के साथ ही पाया जाता है। इसके अंदर बहुत सारे रॉक्स के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। हम
मेटल्स मिल हम मेटल्स निकाल लेते हैं उन मिनरल्स के अंदर से, ठीक है। फिर जिन मिनरल्स से हमें मेटल मिलता है उनको क्या बोलते हैं? ओर्स, ठीक है। आयरन, कॉपर, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, मैग्नीज एक्सेट्रा आर मेटल्स। ये क्या है? मेटल्स हैं। ये किसके लिए यूज होते हैं? टू प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स सच एज व्हीकल्स, यूटेंसिल्स। मेटल्स किस लिए यूज करते हैं? बहुत सारे व्हीकल्स बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए, है ना, इन सब के लिए यूज करते हैं। गोल्ड, सिल्वर क्या किस में यूज करते हैं? ऑर्नामेंट्स, गहने बनाने के लिए यूज करते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर स्कार, देयर फॉर दीज नीड्स टू यूज प्रूडेंटली। देखिए, जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो बहुत ही कम है, तो हमें इनका यूज बहुत ही अच्छे से करना है, वाइजली यूज करना है। ओके बच्चों, यहाँ आपकी ये चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू सो मच।